अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इनविजिबल डोरी पैपिंग अपनी कमीज की स्लीव पे या फिर किसी भी एरिया पे जहां पे भी आप इनविजिबल डोरी पैपिंग करना चाहते हैं कैसे बहुत ही आसानी और परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने ये पैपिंग लगाना सीखी थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी उससे पहले और उसके बाद मैंने ट्राई की थी और तकरीबन सारी वीडियोस में एक ही तरीके से ये सिखाई जा रही थी। जब मैंने उसको ट्राई किया तो मुझे काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। मैं भी आप लोगों को ना करनी पड़ती हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम्स शेयर भी करूंगी और मैंने उसको उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकाला और किस तरीके से परफेक्ट तरीके से लगा ली ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो होपफुली कि मेरा ये मेथड आप लोगों को ज्यादा आसान लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से, अगर ये फर्ज करें कि आपकी कमीज की स्लेब है जो आपकी चाक है कमीज के, और वहां पे आपको स्ट्रेट इस तरीके से इनविजिबल डोरी पैपिंग करनी है, तो आप मोस्टली क्या करते हैं कि इतना कपड़ा एटलीस्ट एक्स्ट्रा रखते हैं और उसके ऊपर क्रीज लगा लेते हैं या लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें डोरी पैपिंग को रख के लगाना है। जो मैंने वीडियोस में जो मैंने जिस तरीके से सीखा था वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, कि मैंने जब पहली बार लगाई थी तो इस तरीके से जब लगा के देखी, इस तरीके से क्रीज लगा लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं सर कि इसके ऊपर रख के हम लोग जो डोरी पैपिंग रेडी की हुई होती है, ये देखें इस तरीके से इसको सेम इस क्रीज के ऊपर रख लें, या क्रीज आपने नहीं लगाई तो लाइन जो लगाई हुई होती है उसके ऊपर रख के इस तरीके से, और ये कमीज की सीधी साइड होती है जिस पे क्रीज हमने लगाई है, कमीज की सीधी साइड पे इसको इस तरीके से डोरी पैपिंग को रखते हुए आप बिल्कुल उस क्रीज के ऊपर लगा लें सिलाई, और उसके बाद ये वाला जो कपड़ा है इसको पाइपिंग के ऊपर फोल्ड कर दें। तो इससे क्या होता है कि हमने सीधी साइड पर रख के लगाई है, लेकिन जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये कपड़े की उल्टी साइड इस पाइपिंग के ऊपर आ जाती है। उससे क्या होता है फिर ये उल्टी साइड नीचे की तरफ इस तरीके से चली जाती है। उससे क्या होता है कि हमारे जो साइड के चाक होते हैं कमीज के, उसकी उल्टी साइड पर बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती पहली बात, क्योंकि ये उल्टी साइड हमारी नीचे चली जाती है, सीधी साइड नहीं आती कमीज की। और दूसरी ये चीज, जब हम इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं तो बहुत ज्यादा झोल आते हैं उसमें, और मेरे में बहुत ज्यादा झोल आए थे, तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी। उसके बाद मैंने जो न्यू इसका जो सोल्यूशन निकाला था वो ये निकाला था कि आपको बहुत ज्यादा कपड़ा अंदर मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है, जितना आपको सिलाई में लेना है उतना आप कट कर लें। मेरे इस तरीके को भी फॉलो करते हुए जरूर लगा के देखिएगा, ये मेथड आपको ज्यादा आसान लगेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने उतना ही जितना सिलाई में लेना है उतना आपने स्लिप पे रख लेना है, उसके बाद इस तरीके से ये जो आपने डोरी पाइपिंग बनाई होगी उसको इस तरीके से ऊपर रख के बिल्कुल डोरी पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। तो ये कमीज की सीधी साइड पे रख के लगाना है, ये आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे देखिये मैंने ये सिलाई लगा ली है बिल्कुल डोरी पाइपिंग के साथ साथ, उसके बाद मैंने 2 इंच जितनी चौड़ी एक पट्टी ले ली है, यहाँ पे देखिये इस तरीके से अलग से आपने लेनी है, उसके अंदर मार्जिन नहीं रखना। कमीज की सीधी साइड पर रख के हमने पाइपिंग लगाई थी और ये जो पट्टी है ये भी सीधी साइड की तरफ रखेंगे, लेकिन इसकी उल्टी साइड को अपनी तरफ करते हुए, और जो उल्टी साइड पे हमने ये जो सिलाई लगाई थी डोरी पाइपिंग की, इसी सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लेके आनी है आपने। ये देखिए मैंने लगाई है और उसी सिलाई के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लेके आई हूँ, पट्टी वाली साइड को सामने रख के सिलाई नहीं लगाई मैंने। उसके बाद आपने ये पट्टी की, ये देखें ये पट्टी की जो सीधी साइड है इसको अब हम उल्टी साइड पे फोल्ड कर देंगे, इससे जो हमारा पलटा है वो तकरीबन 1 इंच जितना चौड़ा भी लग जाएगा, उल्टी साइड पे फिनिशिंग भी बहुत परफेक्ट आएगी, सिलाई करते हुए झोल भी बिल्कुल नहीं आएगा और पाइपिंग भी बहुत परफेक्ट लगेगी, क्योंकि हमने जो पाइपिंग वाली सिलाई थी वो बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाई है, तो जिस तरीके से हमारी पाइपिंग अंदर की तरफ सेट हुई भी थी सेम उसी तरीके से बाहर की तरफ आएगी। उल्टी साइड पे ये पलटे को इस तरीके से फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके आप तुरपाई करें, बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आएगी और बहुत ही अच्छी भी लगेगी। यहाँ पे देखें ये पाइपिंग कितनी परफेक्ट तरीके से लगी है और उल्टी साइड पे भी परफेक्ट फिनिशिंग है और बिल्कुल झोल भी नहीं आया है। तो मैं हमेशा अब इस तरीके से लगाती हूँ तो ये मेथड मुझे बहुत आसान लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी ये मेथड शेयर किया है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरा ये मेथड आपको कैसा लगा है। यहां तक वीडियो देखिए लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना भी बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।